दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में स्वागत है। 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहले 195 सीटों के लिए बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों पर विश्वास जताया है उनके नामों की घोषणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने की, जिनमें से पश्चिम बंगाल के प्रत्याशियों के नाम इस प्रकार हैं। वेस्ट बंगाल, कूचबिहार निशित प्रामाणिक, अलीपुरद्वार शेड्यूल ट्राइब मनोज टिग्गा, बेलूरघाट डॉक्टर सुकांता मुजुमदार, मालदा उत्तर खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण श्रीमती शिरूपा मित्रा चौधरी, बहरामपुर डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष, राणाघाट एससी रिजर्व जगन्नाथ सरकार, बनगांव एससी रिजर्व श्री शांतनु ठाकुर, जॉयनगर एससी रिजर्व डॉक्टर अशोक कंडारी, जादवपुर डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, हावड़ा डॉक्टर रथीन चक्रवर्ती, हुगली श्रीमती लॉकेट चटर्जी, कांती श्री सौमेंदु अधिकारी, घाटल हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया ज्योतिर्मय सिंह महतो, बांकुड़ा सुभाष सरकार, विष्णुपुर सौमित्र खान, आसनसोल पवन सिंह, बोलपुर श्रीमती प्रिया साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल दौरे के दौरान राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए करप्शन, परिवारवाद, अत्याचारी, विश्वासघाती और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार कहकर दो टुक शब्दों में लताड़ा, जो लोकसभा चुनाव का बिग बुल माना जा सकता है। हो रहे हैं संदेश खाली की बहने, इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। हाल ही में संदेश खाली का मुद्दा जो काफी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा, वह राज्य सरकार के गले की हड्डी साबित होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखा जा सकता है।